आज का सेशन हमारा होगा डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 6। और आज के सेशन में हम क्या करवाए जाएंगे, हम करवाए जाएगा डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। इसका मतलब क्या होता है, इसके कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो सिंपली सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें उनको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इज इट क्लियर? और ये किससे रिलेटेड होगा, ये होगा हमारे 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.5 से रिलेटेड। सो ब्रीफली हम आइडिया ले लेते हैं लेक्चर नंबर 6 से। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या करवाया, हमने गाइस करवाया लेक्चर नंबर में 1 में करवाया फर्स्ट लॉ करवाया लेक्चर नंबर 1 में, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ये वाला फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। उसके अलावा लेक्चर नंबर 2 में करवाया था हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन, उसके साथ साथ इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे। और साथ ही साथ लेक्चर 3 में हमने क्या करवाया था, चेन रूल समझाया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए। उसके बाद क्या करवाया था गाइस, उसके बाद हमने इम्प्लिसिट फंक्शन वाला करवाया था, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये लेक्चर नंबर हमने 4 में करवाया था। उसके साथ साथ लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या करवाया था गाइस, एंड जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करना सिखाया था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कुछ तो हमने लेक्चर नंबर 5 में करवा रखा है लॉग का डिफरेंशिएशन। गाइस तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा था, अब हम सीखेंगे कि कोई फंक्शन है उसका पहले लॉग लेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, वो चलो क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। कि देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टेप देख लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, आज के जो फंक्शन लिए जाएंगे या इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सपोज करो कोई इस तरीके का फंक्शन होगा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, या इस तरीके से बन जाएगा, है ना। जब हम लॉग लेंगे ना, लॉग लेने के बाद जो ये एफ एक्स है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब पहले तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, है ना। क्वेश्चन देखेंगे उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम लॉग लेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है, वो कैसे हो जाएगा। तो गाइस लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज करो लॉग एम की पावर एन क्या होती है, एन लॉग एम होता है, इज इट क्लियर। तो इस तरीके की लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का अप्लाई करने के बाद वो फंक्शन क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप सोच रहे हो सर ये लॉग की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, तो गाइस मैंने मैथमेटिक्स फॉर 12th की जो हमारी ये प्लेलिस्ट है ना, इसमें मैंने ऑलरेडी लॉग से रिलेटेड 25 मिनट का एक लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें बताया गया कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करवाए थे, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो एक बार उसको जाके देख लीजिए, जिससे ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो जब हम लॉग ले लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, इज इट क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का सबसे पहले करेंगे तो लॉग का होगा 1/y हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x, डिफरेंशिएशन होता है, इज इट क्लियर। इधर लॉग एक्स की जगह वाई है तो 1/y हो जाएगा, इज इट क्लियर। उसके बाद फिर क्या, अंदर वाई आ रहा है तो वाई का करके तो dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड में ही हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास जो है वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये प्रोसेस है, सबसे बेसिकली मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, सबसे पहले कोई फंक्शन दे रखा होगा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा होगा, उसको लॉग लेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखो गाइस देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ऐसे तो है नहीं, एक्स अपॉन 2x³ + 3 इस तरीके का नॉर्मल तो फंक्शन दिख नहीं रहा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर रूट भी आ रहा है, इज इट क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को करने के लिए मैं लॉग लूंगा। आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला, है ना, या फिर आप नॉर्मल तरीके से वाई इक्वल्स टू ये मानो रूट ऑफ एक्स माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x² + 4x + 5। इसको एक तो नॉर्मल तरीके से करोगे तो उसको तो करते हुए शाम हो जाएगी, है ना, तो वो तो काफी लेंदी है, वो तो पॉसिबल नहीं है, और आपका एग्जाम में क्या स्पीड भी मैटर करती है। तो क्या करेंगे, फिर हम इसका लॉग लेंगे। लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि देखो गाइस अभी चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी कौन लॉग ले रहे हैं। तो लॉग वाई लेंगे तो इस तरफ भी लॉग चला जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x² + 4x + 5 की पावर 1/2, है ना। ये मैंने फंक्शन लिख दिया, ये वाला ये फंक्शन मैंने लिखा है ना, ये ही लिखा है। आप सोच रहे होंगे ये तो सेम लग नहीं रहा गाइस, ये रूट है ना, तो मैंने रूट को जगह 1/2 लिख दिया, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है ना, 1/2 किसी की पावर 1/2 है या फिर रूट हो तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो मैंने उसकी जगह पावर में रख दिया फंक्शन। अब देखो गाइस अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, ये पावर है ना 1/2, ये आगे आ जाएगी। मैंने बता रखा है लॉग की प्रॉपर्टी की, लॉग एम की पावर एन, ये क्या होता है, ये होता है एन आगे आ जाता है तो एन लॉग एम हो जाता है ना। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लॉग का एक सेशन लिया था उसमें, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा लॉग एक्स माइनस 3
एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन 3x² + 4x + 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो log y इक्वल टू पेन का कलर चेंज करते हैं जिससे आपको और अच्छा लगे समझने में भी। 1/2 आगे चल रहा है log, अब 1/2 आगे चल रहा है ब्रैकेट ले लिया, अब मैं इसको खोल दूंगा देखो, और मुझे पता है कि log m अपॉन n यानी जो log के साथ जो अगर डिवाइड में होते हैं तो क्या हो जाते हैं वे माइनस में पहुंच जाते हैं, तो log m माइनस log n हो जाते हैं। इज इट क्लियर? log m माइनस log n हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने करवा रखी है, एक बार सेशन को जाके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। तो बस कर दो, देखो ये ऊपर वाला तो क्या है हमारे पास m है और ये क्या है नीचे वाला n है। मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना, log x माइनस 3 x² प्लस 4 माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये लिख सकता हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है ये प्रॉपर्टी होती है, आराम से बस मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो गाइस अभी एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाले स्टेप को मिटाते हैं फिर ऊपर हम ये चीजें लिखेंगे। तो देखते हैं गाइस, आप साथ ही साथ इसको नोट करते जाना क्योंकि क्या है ये काफी लेंथी क्वेश्चन है और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, एक बार भूल जाए ना तो फिर दोबारा से वीडियो भी, देखो सच बात है कि स्टूडेंट्स को भी देखने में जोर आता है, तो दोबारा से खैर स्टूडेंट देखते नहीं है, और फिर अगर नहीं देखने के चक्कर में आप अपना लॉस कर दो मैं नहीं चाहता, तो साथ ही साथ नोट करते जाना। तो मेरे पास ये आ गया है ना, ये सिंप्लीफाई हो गया। और इसके साथ साथ देखो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि log m into n यानी कि दो मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन होते हैं log के साथ तो क्या हो जाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं, log m plus log n हो जाते हैं। इज इट क्लियर? जैसे डिवाइड में था तो माइनस आ रहा था ना, मल्टीप्लाई में होते तो प्लस आ जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ना, तो x माइनस 3 और एक x² + 4, तो क्या इनको अलग अलग कर दूंगा, तो क्या करूंगा इधर लिखता हूँ मैं log y इक्वल टू 1/2 बाहर चल रहा है दोनों के, और ये आ जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x² + 4। मैंने ये प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर दिया, माइनस चल ही रहा है ये log 3x² + 4x + 5। आप सोच रहे ये कहां से आया, ये अलग अलग कैसे हो गए, ये मैंने बता दिया ये प्रॉपर्टी होती है। अब क्या बस अब सिंप्लीफाई कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लो। देखो अब ये तीनों लॉग के फंक्शन बन गए ना सिंपल वाले, है ना, तो अब डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई आ जाएगा, है ना। इसको पेन का कलर चेंज करता हूँ फिर आपको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले राइट हैंड साइड की ये जो है ये प्रॉपर्टी मिटा देता हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होगी कैसे आई कहाँ से आई क्या आई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार से यूज कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार लॉग का जरूर सेशन जाके देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी एक बार जाके देख लीजिए, आपका बेस है क्या स्ट्रांग ही होगा आपका बेस। इज इट क्लियर? इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको देखो आप जाके एक बार, तो 1/2 है ना, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग x² + 4 एंड माइनस लॉग 3x² + 4x + 5। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये इस तरफ करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन log y का हो रहा है तो सबसे पहले log का होगा फिर y का होगा, तो log का होगा तो log का क्या होता है मेरे ने बताया था कि log के साथ आता है x आता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाता है, तो log के साथ y है तो 1/y हो जाएगा, और फिर अंदर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर? चैन रूल मैंने समझा रखा है, 1/2 एज इट इज चलेगा। अब मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट अंदर हो जाएगा, मतलब ये अंदर इधर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इधर भी क्योंकि प्लस माइनस होते हैं तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स मतलब एक्स माइनस 3 नहीं है, इसके साथ लॉग भी है गाइस क्योंकि देखो ये लॉग भी है, प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग x² + 4 माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग 3x² + 4x + 5। इज इट क्लियर? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो गाइस पहले यहाँ से इस चीज को नीचे जो बिल्कुल बॉटम में है उस चीज को इरेज करते हैं, उसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा हो आगे क्या करना है तो आप साथ ही साथ खुद कर भी करते जाना, है ना, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, है ना, उसको तो हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो लॉग x माइनस 3 है तो log के साथ साथ जो होता है वो 1/2 में पहुंच जाता है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो, है ना, x माइनस 3। अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x माइनस 3 का करेंगे, तो एक बार कर लेते हैं d अपॉन dx x माइनस 3। इज इट क्लियर? प्लस इसमें log के साथ जो है वो 1/2 में पहुंच जाता है, 1/x² + 4। फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा x² + 4 का, चेन रूल लग रहा है, आई होप समझ में आ रहा हो। माइनस
लॉग के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा, 1/3x² + 4x + 5। मैं ये करवा चुका हूँ है ना कि लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है इससे पहले वाले लेक्चर में। फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसके अंदर वाले का, 3x² + 4x + 5। अब क्या करेंगे, अब इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, ऊपर से इरेज करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। लोग देखते हैं, अगर आपको गाइस आपको सिंप्लीफाई खुद करना आ रहा हो तो आप करते रहना साथ ही साथ। देखो हमारे भरोसे भी मत रहना, अगर आपको आ रहा हो तो अच्छी बात है ना, भरोसे तो रहना भी अच्छी बात है, क्योंकि टीचर है, टीचर के भरोसे नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट्स किसके भरोसे रहेंगे। तो फिर भी अगर आपको चीज आ रही हो तो खुद करोगे ना तो ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप सोचेंगे कि देखो यार हमने सर से भी पहले कर लिया, नहीं हमें सर समझ में साथ ही साथ आ रहा है। तो गाइस आप करना कोशिश जरूर, चलो हम करते हैं, हम भी करते हैं और आप भी करो साथ ही साथ, क्योंकि दोनों जब एक और एक मिलके क्या बनाते हैं 11। जब मैं अकेला करूंगा तो सिर्फ एक हूँ, अगर आप भी मेरे साथ मिल जाएंगे तो 11 बन जाएंगे। dy/dx लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलेगी और ये राइट हैंड साइड में 1/2 एज इट इज। अब देखो गाइस x-3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो x का भी करेंगे और 3 का भी करेंगे, तो x का तो 1 हो जाएगा और 3 का 0, तो 1-0 दैट इज 1 ही आएगा, तो इसका तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x-3 आ जाएगा सिंपल। प्लस 1/x² + 4 तो चल ही रहा है, इज इट क्लियर। अब x² + 4 का करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। मैंने अब बता रखा है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना। इसके साथ साथ 4 का करूंगा तो इसका 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इधर 2x आ जाएगा इधर 0, तो 2x + 0 दैट इज 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2x, इज इट क्लियर। -1/3x² + 4x + 5 और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² + 4x + 5 का, तो सबसे पहले 3x² का, तो 3 तो बार x² का हो जाएगा 2x है ना, प्लस 4 बार और x का 1 हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, और प्लस 5 का 0 हो जाएगा। तो देखो 3×2 = 6x + 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 6x + 4, बस आंसर आ गया हमारा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 1/y dy/dx दैट इज इक्वल टू 1/2। अब लिखो चलो 1/x-3 प्लस 1 की जगह 1×2x दैट इज 2x/x² + 4 माइनस ये आ जाएगा 6x + 4/3x² + 4x + 5। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि तो इसमें कुछ ही नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन। हाँ पिछले वाले जो सेशन कर रहे थे उनसे काफी टफ है, आई एक्सेप्ट दैट, बट क्या है कि आप जैसे 11th से 10th में जाते हो या फिर 9th से 10th में आते हो तो वही कॉन्सेप्ट या फिर वही जो डिफिकल्टी लेवल है तो वो तो रहता नहीं है, कुछ लेवल तो बढ़ता ही है ना, वैसे ही इसमें है। तो मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो मैं क्या करूंगा y को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो dy/dx क्या जाएगा, dy/dx आ जाएगा y × ये जो चीज है ना, ये जो आ रही है वो एज इट इज आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मैं y की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा वापस, y की जगह क्या करूंगा, y की जगह मैं ये रख दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही तो माना था, इसको ही तो मैंने y के बराबर माना था, ये जो फंक्शन दे रखा है, तो y की जगह में ये फंक्शन आ जाएगा और साथ ही साथ ये चीज मेरे पास आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, चलो करते हैं एक्सप्लेन, पहले ये नीचे से ये इरेज करते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, बट आप सपोर्ट बना के रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो गाइस इसको भी यहाँ से थोड़ा मिटाएं एक बार, ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख गया, आपको दिख गया हो तो आप खुद ट्राई करें, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे क्या करना है तो। ये रेजर कहाँ चली गई, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो dy/dx क्या जाएगा, dy/dx दैट इज इक्वल टू y × 1/2 1/x-3 प्लस 2x/x² + 4 माइनस 6x + 4/3x² + 4x + 5। ये चीज आ गई मेरे पास, अब मुझे क्या है, ये मेरे पास आंसर तो मिल गया, बट अब मैं y की जगह y को भी हटाना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है ना, और तो y क्या है, y मेरे पास ये फंक्शन था, उसी को तो मैंने y माना था ना फंक्शन को, तो बस y की जगह ये वैल्यू रख दो √x-3 × x² + 4 अपॉन क्या है, अपॉन में है 3x² + 4x + 5 और साथ ही साथ y की जगह मैंने ये रख दिया और इंटू ये सारी चीजें 1/2 1/x-3 यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस मुझे पता है कि ये सेशन हमारा आज का टफ है,
तो लगभग 50% स्टूडेंट्स को ये काफी दिक्कत होगी समझने में और समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं पहले अज्यूम करके चल रहा हूँ। पर जो बाकी 50% स्टूडेंट्स हैं, इज इट क्लियर, उनको तो बेनिफिट होगा ना, मैं इसी में खुश हूँ। और साथ ही साथ जो 50% बच्चों को नहीं आ रहा, वो अगर ढंग से पढ़ेंगे तो उनमें भी 30% स्टूडेंट्स को आ जाएगा, और बचे हुए 20% तो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये 20% स्टूडेंट्स वो हैं जो लॉ की प्रॉपर्टी नहीं जानते, साथ ही साथ जो लॉ सीखना भी नहीं चाहते। और जिन्होंने लॉग सीखना चाहते हैं, अगर जिन्होंने वीडियो मेरा लॉग का सेशन का देख रखा होगा, तो उनको इन 20% से भी कम हो जाएगा फिर मेरा जो 20% डाटा है ना, कि 20% बच्चे नहीं देख रहे, ये भी रिड्यूस होके, यानी कमी बच्चे बचेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा फोकस होके सारी चीजें करने होंगे तो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेरे पास ये दे रखा है। अब एक तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करो कि अंदर के ये वाई इक्वल टू सबसे पहले है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इज इट क्लियर। एक तो है कि पहले इसका करो, इनको छोड़ो, फिर प्लस लगाओ, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन का मैंने बताया था ना कि डिफरेंशिएशन दो फंक्शन होते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या होता है एफ एक्स का एज इट इज आ जाता है डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस, फिर जिसका किया था वो एज इट इज आ जाता है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होता है इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो तीन आ गए, तो गाइस कोई बात नहीं, इधर एक और रख लो एच एक्स भी रख लो, तीन आ गए तो क्या है, इस बार एक का ले लेंगे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, दोनों एज इट इज आ जाएंगे, फिर प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एक सेम आ जाएंगे, फिर प्लस थर्ड का करेंगे और फर्स्ट और सेकंड सेम आ जाएंगे। मतलब बेसिकली मेन आइडिया या मेन बेस यही है, इज इट क्लियर। एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको मैं आपके लिए खुद के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप खुद करें, मैं करवाऊंगा लॉग की प्रॉपर्टी से, क्योंकि देखो गाइस उससे भी हो जाएगा, बट क्या है लॉक की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता, कई बार लॉक का अप्लाई करना नहीं आता, लॉक में अनकंफर्ट फील करते हैं, मतलब मेरा ये कहना चाहता हूँ, और मैं लोग स्टूडेंट्स को कंफर्ट में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं लॉक के थ्रू इसको करवा रहा हूँ। ये कॉस 3x मैंने फंक्शन रख लिया, इसको वाई के बराबर मान लिया, अब क्या करूंगा मैं लॉग वाई लूंगा, इज इट क्लियर। मतलब वही प्रोसेस है कि लॉग लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो लॉग इधर क्या जाएगा कॉस एक्स डॉट कॉस 2x डॉट कॉस 3x, इज इट क्लियर। अब फर्दर क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लॉग में देखो अंदर मल्टीप्लाई है ना, फंक्शन लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x है, तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, प्लस में आ जाता है, तो जैसे लॉग एम इंटू एन का क्या था लॉग एम प्लस लॉग एन था, है ना लॉग एन था, अब इधर एम एन पी भी आ गया, एक और फंक्शन आ गया तो वो प्लस लॉग पी भी हो जाएगा, इज इट क्लियर, यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, मतलब डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया। अब क्या करूं मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा दोनों साइड, तो डी अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लॉग वाई आ रहा है, इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड में आ रहा है लॉग कॉस एक्स प्लस, अब मैं एक साथ मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर। मैंने ऐसे नहीं करा कि पहले मैंने इसको ब्रैकेट में लिया फिर सबको लिखा उसके बाद मैं स्टेप अगली स्टेप ये लिखता, पर अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि अब आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये मैंने कैसे किया कि लिया तो मैंने एक ही है बाहर ही लिया है, बट क्या है अंदर डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों के पास, क्योंकि प्लस आ रहा है ना, मैं बता चुका हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट, तो मैंने इसको थर्ड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दैट इज लॉग कॉस 3x कर दिया। अब क्या करूंगा लॉग के साथ वाई है, तो सबसे पहले लॉग का होगा तो वन अपॉन वाई आ जाएगा, ना इज इट क्लियर, वन अपॉन वाई आ जाएगा। अब क्या करूंगा अब मैं वाई का करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ रहा हूँ। इसके साथ साथ सबसे पहले लॉग का करूंगा मैं, क्योंकि लॉग आ रहा है एक कॉस एक्स आ रहा है, चैन रूल मैंने बहुत करवा दिया, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे चैन रूल, आई होप अगर नहीं आ रहा हो तो लेक्चर को जाके देखिए, उसके साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चन चैन रूल से रिलेटेड दे रखे हैं, तो उनको कोशिश कीजिए। मेरे यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन करवाने से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ ये बस आपको आइडिया देंगे कि भाई प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप होती है और कहाँ कहाँ बच्चों को डिफिकल्टी होती है, ये पता चलेगा बस, बाकी आपके मार्क्स आपका जो भी चीज है वो सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी, तो वहाँ आपको जाके भी ट्राई करना है इनको। और गाइस आज ये सेशन खत्म हो जाए तो ये नहीं कि आप एक बार देख लिया और आप खुद ट्राई नहीं करें, इन्हीं क्वेश्चनों को आप दोबारा से भी ट्राई करना गाइस, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको काम आएगी, मैं बार बार से कह रहा हूँ। सबसे तो पहले लॉग का करूंगा, तो लॉग के साथ जो होता है वो वन अपॉन में पहुंच जाता है, तो वन अपॉन कॉस एक्स, मैं बता रहा हूँ लॉग का डिफ्रेंशिएशन। अब क्या करूंगा मैं
डिफरेंशिएशन करूंगा अंदर वाले का, कॉस एक्स का इज इट क्लियर, प्लस ऐसे ही कॉस टू एक्स लॉग के अंदर तो ये बाहर आ जाएगा वन अपॉन में कॉस टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन क्या एक्स का करूंगा, करूंगा मैं कॉस टू एक्स का, है ना, इज इट क्लियर, चैन रूल लगा रहा हूँ। प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स है तो लॉग एक्स का मैं बता रखा हूँ, लॉग एक्स का था वन अपॉन एक्स होता है ना, इज इट क्लियर। तो लॉग का डिफरेंशिएशन करते तो वन अपॉन में पहुंच जाता है, जो लॉग के साथ होता है ना वो वन अपॉन में पहुंच जाता है, तो लॉग के साथ कॉस थ्री है तो वन अपॉन कॉस थ्री एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस थ्री एक्स का, क्यों क्यों करूंगा, ऑब्वियसली बात है यार, मुझे क्या है लॉग कॉस थ्री एक्स का करना है, तो मैं इस दर पर चलूंगा, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एक तो लॉग फेस करना पड़ रहा है, लॉग के बाद में जाऊंगा कॉस थ्री एक्स फेस करना पड़ रहा है, इज इट क्लियर, इसी तरीके से करना पड़ रहा है ना फेस, हाँ ऑब्वियसली बात है। तो बस मैंने लॉग का तो फेस करके मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, तो इसका तो मैटर खत्म हो गया, बचा क्या कॉस थ्री एक्स, तो कॉस थ्री एक्स मैंने इधर लिख दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ये क्या होता है, ये गाइस माइनस साइन एक्स होता है, मैं बता रखा हूँ पहले से ही, ये इनका डिफरेंशिएशन ये मैं फर्स्ट लॉ है उसके थ्रू मैं ये प्रूव करवा चुका हूँ, साइन एक्स करवा चुका हूँ, फिर कॉस एक्स का भी उसी तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से वन अपॉन कॉस टू एक्स एज इट इज चल रहा है, इज इट क्लियर। अब कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू एक्स, इज इट क्लियर। अब मैंने कॉस का भी कर दिया ना, मतलब कॉस टू एक्स है, कॉस टू एक्स में मैंने कॉस का डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉस के साथ जो आता है वो क्या पहुंच जाता है, वो साइन के साथ में पहुंच जाता है, कॉस के साथ टू एक्स आ रहा है तो माइनस साइन टू एक्स। अब कॉस का तो कर दिया लेकिन अंदर टू एक्स भी तो आ रहा है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा, इज इट क्लियर। आप सोच रहे हो इससे पहला जो ये कॉस एक्स है उसमें तो क्या नहीं, उसमें इसलिए नहीं किया गाइस, कॉस का मैंने माइनस साइन एक्स कर दिया, अब उसके साथ अंदर क्या है एक्स आ रहा है, तो एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होता है वो वन होता है, इसलिए मैंने उसका नहीं किया, डायरेक्ट मैंने छोड़ दिया बस। प्लस वन अपॉन कॉस थ्री एक्स, और कॉस थ्री एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस माइनस साइन थ्री एक्स। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, थ्री एक्स का हो जाएगा, है ना, चैन रूल लगा रहा हूँ, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेज करते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। गाइस अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपने कमेंट से, उसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो हमने सोच रखा है, हमने सारी जो कंटेंट वगैरह रेडी कर रखा है, बस अब इसको डिलीवर करने की देरी है, तो आपका जो हमारा ये कंटेंट है, आप चाहते हैं कि और ज्यादा एफिशिएंसी से आए और जल्दी 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 आए, आपका कोर्स जल्दी सॉल्व हो, तो क्या आपको करना है, आपको बस इतना ही करना है कि हमें प्रमोट करना है, हमें थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे होंगे, हमें लगेगा हाँ भाई स्टूडेंट्स बेनिफिट हो रहे हैं, बेनिफिट हो रहे हैं इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, तभी तो हम आगे और लाने की कोशिश करेंगे। तो आप कर दीजिए बस, अब ये देखो वन इंटू माइनस साइन एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इट क्लियर। इसी तरीके से टू एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा टू हो जाएगा, मैंने बताया कैसे होगा, अरे टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू तो बारह आ जाएगा, बचा सिर्फ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स। ये कैसे आया, ये भाई देखो टू एक्स का इसका डिफरेंशिएशन तो टू हो गया, और बाहर क्या था माइनस साइन टू एक्स था, तो मैंने क्या इसको टू को बाहर ले आया, मतलब आगे ले आया, फर्क थोड़ी पड़ता है कि जैसे मैं बोलूं साइन टू एक्स इंटू टू है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं टू साइन टू एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना, तो बस मैं आगे ले आया, तो माइनस टू साइन टू एक्स अपन कॉस टू एक्स हो गया। इसी तरीके से इसका थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री हो जाएगा, और आगे क्या है माइनस साइन थ्री एक्स है, तो मैं थ्री को आगे लिखता हूँ, तो माइनस थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स। आप सोच रहे हो ये माइनस कहाँ से आएगा, ये माइनस देखो ये माइनस वाला, ये वाला माइनस है, मैंने ये अभी एरो का साइन बनाया है, ये माइनस मैंने आगे रख दिया है ना, बस हमारे पास क्या आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। अब क्या करूंगा, मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो क्या करूंगा मैं वाई को ऊपर भेजूंगा, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा किया था, तो वाई ऊपर भेजा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस टू साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, माइनस थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा, टेन टू एक्स हो जाएगा,
साइन 3x अपॉन कॉस 3x टेन 3x हो जाएगा, वो आप खुद कर सकते हैं। अब आगे क्या करूंगा मैं, अब आगे y की वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू क्या रखूंगा, y की मैं ये फंक्शन को मैंने y के बराबर माना था स्टार्टिंग में, आप एक बार पीछे रिवाइंड करके देखिए आपको पता चल जाएगा कि जो फंक्शन था मैंने y के बराबर माना था। y की जगह मैं ये रख दूंगा cos x into cos 2x into cos 3x, और y की जगह रखने के बाद मेरे पास आंसर मिल जाएगा। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एक स्टेप को, है ना, इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है, बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एक तो चैन रूल को समझ में नहीं आता कि कैसे किसको पहले डिफरेंशिएशन करो, कैसे क्या करो, और एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो जनरली होता ही नहीं है, एक बार में तो स्टूडेंट्स से तो होता ही नहीं है, टीचरों को समझाना पड़ता है तभी समझ में आता है, तो इसको हम एक बार में करेंगे और आपको समझाएंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी मेहनत है, अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हैं कि मैं आप सीखें, तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी एक एक पॉइंट को। तो मेरे पास जो ये फंक्शन था, इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, इम्प्लिसिट आ गया ना, एक तरह से सारे मिक्स आ गए, वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, है ना, इज इट क्लियर। अभी वाले पिछले वाले फंक्शन में देखो, एक सेकेंड, इसमें तो देखो इसको मैंने वाई के बराबर माना था इसको, है ना, तो ये सब एक्स वाला टर्म अलग अलग हो रही थी, इज इट क्लियर, और इससे पहले वाले इसमें भी एक्स एक साथ आ रहे थे, है ना, इज इट क्लियर। तो ये तो क्या था, ये तो नॉर्मल फंक्शन था, था टफ, इजी नहीं था, पर जो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं था, लेकिन इसमें देखो वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर एक्स, ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं एक बार। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मैंने बताया था कि डायरेक्ट पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं दोनों साइड, तो डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक्स, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ए की पावर। आप सोचेंगे ये कहां से आया गाइस, मैं मतलब d अपॉन डी एक्स सिर्फ बाहर लिया था, इज इट क्लियर, इधर लिया था, साथ ही साथ d अपॉन डी एक्स इधर लिया था, तो मैंने बताया इधर प्लस में आ रहे ना, तो ये इसके साथ भी बन जाएगा, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैंने बस डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करूंगा, अब बस करते हैं हम इसको, सबसे पहले इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, अलग अलग करेंगे, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। तो मैं निकालता हूँ डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, चलो करते हैं एक बार, इरेज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लिया, अब हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैंने ये क्या है, ये मैंने कोई फंक्शन मान लिया वाई की पावर एक्स है, तो इसको z के बराबर मान लिया ना, मतलब जो भी फंक्शन है उसको z के बराबर मान लिया। अभी क्या है, मैं y के बराबर इसलिए मान रहा क्योंकि ये y ऑलरेडी पहले से मुझे दे रखा है, z के लिए दे रखा है, तो मुझे क्या है dz अपॉन dx, या फिर कहूँ कि मैं dz की जगह मैं क्या लिखता हूँ, y की पावर x अपॉन dx, यानी d अपॉन dx तो एज इट इज आ गई है, z की जगह देखो y की पावर x रख दी है ना, तो यही फंक्शन बन गया देखो एक तरीके से, है ना, तो मैंने y की जगह मतलब y की पावर x की जगह मैंने z मान लिया, है ना। अब क्या करूंगा, अब मैं इसमें लॉग लूंगा, क्या करूंगा मैं लॉग लूंगा, लॉग लेके देखता हूँ कैसे क्या होता है, चलो देखो आप खुद भी ट्राई करते जाओ साथ ही साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लॉग जेड आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स लॉग वाई बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे एक्स कहाँ से आ गया, वाई की पावर एक्स था ना, तो गाइस वाई की पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन लॉग के साथ पावर में आता है ना तो वो आगे आ जाती है, मैं बता चुका हूँ, तो एक्स लॉग वाई आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग का सबसे पहले वन अपॉन में पहुंच जाता है, तो वन अपॉन जेड, फिर क्या करूंगा मैं जेड का डिफरेंशिएशन, तो डी जेड अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में करूंगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है देखो गाइस एक्स, चलो इसको एक बार कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स लॉग वाई, इज इट क्लियर, ये आ रहा है। अब क्या करूंगा मैं वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये देखो दो फंक्शन है, है ना, तो x भी है एक log y भी है, तो पहले मैं x का एज इट इज रहने देता हूँ, है ना, फिर डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं d log y अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर, मतलब दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब क्या करूंगा मैंने x एज इट इज रहने दिया था, इसका किया था ना डिफरेंशिएशन, अब इसको मैं एज इट इज बाहर रहने दूंगा, मतलब एक बार पहले का करते हैं अगली बार दूसरे का करते हैं, या फिर एक बार दूसरे का करते हैं अगली बार पहले का करते हैं ना, सीक्वेंस में फर्क नहीं पड़ता। लॉग वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, एक्स का करूंगा, क्योंकि एक्स था ना, एक्स का करूंगा तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसको थोड़ा इधर करता हूं मैं, सॉल्व करता हूं फर्दर, तो वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में,
राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा एक्स एज इट इज चल रहा है। लॉग वाई का करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे लॉग का, तो लॉग का क्या होता है वन अपॉन में, तो वन अपॉन वाई। फिर क्या करूंगा मैं वाई का करूंगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर, डी वाई अपॉन डी एक्स ये कर दिया मैंने, इसका मैटर खत्म। अब इसका करता हूँ डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो वन होता है, बचेगा क्या सिर्फ लॉग वाई, तो प्लस लॉग वाई बचेगा। ये है क्वेश्चन एक ही, बट इसमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, तो एक तरह से तीन तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बन गए हैं। अब क्या करूंगा मैं, अब थोड़ा इसको जेड है, जेड को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो डी जेड अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास जेड इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग वाई ये कहां से आएगा, देखो वाई x इंटू वन अपॉन वाई तो x अपॉन वाई हो जाएगा, और dy अपॉन dx चल रहा है प्लस log y है ना, और ये z आया मेरे पास नीचे था ना ऊपर राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास dz अपॉन dx आ गया। अब मैं z की जगह वैल्यू पुट कर दू, z मेरे पास क्या था y की पावर x था ना, तो बस कर दो dy की पावर x अपॉन dx दैट इज इक्वल टू y की पावर x, यानी z की जगह मैंने वापस रिप्लेस कर दिया y की पावर x, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, ये किसका मेरे पास आ गया, ये dy की पावर x अपॉन dx आ गया। देखो गाइस मुझे फर्स्ट वाले का तो मिल गया dy की पावर x अपॉन dx का डिफरेंशिएशन, इसी तरीके से मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, इसी तरीके से मैं थर्ड वाले का निकालूंगा और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं चलो वैल्यू, बाकी चीजों को तो इरेज करते हैं, अब इसको इरेज करने में भी बहुत टाइम लग गया क्योंकि हमने काफी सारा लेंदी था, आप खुद ही देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही को निकालने में कितना बड़ा लग गया, यानी सिर्फ इसमें तीन तीन डिफरेंशिएशन करने पड़ रहे हैं, तो आपकी इस क्वेश्चन को करने में प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो जाएगी और मिस्टेक भी अच्छी खासी आएंगी, क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट्स लेवल पर तैयार कहूँ कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था तो मेरे से भी एक बार तो आंसर इसका आया ही नहीं था, क्योंकि एक बार आंसर मेरा गलत हो गया था क्योंकि मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, उसके साथ साथ एक बार मेरी प्लस माइनस मिस्टेक हो गई थी, इस तरीके से दो तीन बार मिस्टेक हो गई थी, उसके बाद मुझे समझ में आया था। तो गाइस मैंने जो गलती की थी वो आपको गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ढंग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये मैं एज इट इज लिखने देता हूँ जो मेरे आ रहा है। अब क्या करूंगा मैं इसका निकालूंगा एक्स की पावर वाई का, तो बस वही करेंगे सेम, कलर चेंज करता हूँ, एक्स की पावर वाई का करूंगा तो इसको मैं जेड के बराबर मान लूंगा, एक्स की पावर वाई, मैं इसको वाई के पावर भी मान सकता था, वाई के इक्वल इसीलिए मान सकता था, अगर वाई नहीं होता ना यहाँ पे तो वाई के बराबर मान लेता, बट यहाँ पे ऑलरेडी वाई है ना इसीलिए मैं कुछ और फंक्शन मान लूंगा। अब क्या करूंगा मैं लॉग लूंगा, तो log z that is equals to y log x हो जाएगा क्योंकि पावर आगे आ जाती है। अब क्या करूंगा मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो d अपॉन डी एक्स लॉग z that is equals to d अपॉन डी एक्स वाई लॉग x, इज इट क्लियर, मतलब दोनों तरफ आगे d अपॉन डी एक्स लगा दिया। अब देखो log का क्या होता है, मैंने बताया था log के साथ जो होता है वो 1 अपॉन में पहुंच जाता है, तो 1 अपॉन z, 1 अपॉन z, अब log का खत्म हो गया मैटर, log का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, बचा के अंदर अंदर बचा जेड, तो क्या बचेगा डी जेड अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर। ऐसी राइट हैंड साइड में ये दो फंक्शन बन गया ना, एक तो वाई वाला एक लॉग एक्स वाला, तो क्या करूंगा पहले तो मैं वाई एज इट इज रहने दूंगा, है ना, डिफरेंशिएशन करूंगा किसका लॉग एक्स का करूंगा, आप चाहो तो पहले लॉग एक्स रहने दे सकते हो, वाई का पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब मैं क्या लॉग का मैंने किया ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे लॉग एक्स का क्या, अब मैं लॉग एक्स को एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि लॉग एक्स का मैंने कल रखा है, ऑलरेडी कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन। अब क्या इसका करूंगा मैं वाई का करूंगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बस इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, इसको कहाँ लिखता हूँ, इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ, इस तरफ लिखो करो क्या आता है, वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा गाइस, लॉग एक्स, इसका लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब मैंने लॉग का कर लिया, इसका कर लिया, बचा के अंदर एक्स बचा, x का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 ही आएगा, इज इट क्लियर। प्लस ये आ जाएगा log y मतलब log x और dy upon dx as it is चलेगा, है ना, आप सोच रहे होंगे इसका कुछ सिंपलीफाई नहीं किया, गाइस ये तो मुझे चाहिए ना dy upon dx, तो जहां भी dy upon dx की टर्म आ रही होगी उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, उसको as it is रहने देंगे, बस कर दो। dz upon dx क्या आ जाएगा, dz upon dx क्या आ जाएगा, ये पास आ जाएगा मेरे पास z into y upon x plus log x dy upon dx, ये आ गया। अब क्या करूंगा मैं z की जगह क्या रख दूंगा, x की पावर y यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस बार z की जगह ये लिया था ना इसके लिए, तो x की पावर y रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स की पावर y अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर y
वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। सो गाइस मेरे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर टू बन गई, क्योंकि देखो डी एक्स की पावर वाई अपॉन डी एक्स ही तो निकालना था। देखो ये मैंने अभी गोला किया है ना ये सेकंड वाले, तो मेरे पास सेकंड का डिफरेंशिएशन निकलेगा। इसी तरीके से मैं किसका करूंगा, इसी तरीके से मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, थर्ड का करूंगा। तो गाइस सेम प्रोसेस यही रहेगी थर्ड वाले में भी मैं तो करूंगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो या फिर आप खुद भी ट्राई करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप खुद पहले से कोशिश करो, क्योंकि इसको मेरे को इसे रिवाइज करने में लगभग 10 सेकंड लगेंगे, तो जब तक आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है, आप वेट कीजिए फिर, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद मेहनत करो, खुद ट्राई करो, फिर आंसर लाओ, तब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि ओ हमने सर से पहले कर लिया क्वेश्चन, शाबाश। तो चलो करते हैं, मेरे पास दो चीज आ गई, दोनों के मिल गया। अब क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा कलर पेन का चेंज करता हूँ, रेड में आता हूँ। अब मैं इसका करता हूँ एक्स की पावर एक्स का, तो जो एक्स की पावर एक्स है उसको मैं किसके इक्वल मानूंगा, जेड के इक्वल मानूंगा। एक्स की पावर एक्स, इसको आप वाई के इक्वल भी मान सकते हैं ना, पर मैंने जेड के इक्वल अभी तक मानते आ रहा हूँ तो वही मानूंगा। अब क्या करूंगा, मैं लॉग लूंगा दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग जेड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स, तो एक्स बार आ जाएगा, है ना। अरे यार लॉग एक्स की पावर एक्स ही रहेगा, है ना, बट एक्स पावर में तो लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा दोनों साइड, डी अपॉन डी जेड लॉग जेड दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड एक्स लॉग एक्स ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले लॉग जेड है, एक बार तो लॉग का होगा, एक बार जेड का होगा, तो पहले लॉग का होगा उसका हो जाएगा वन अपॉन, में पहुंच जाता है वन अपॉन जेड, फिर मैं जेड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी जेड अपॉन डी एक्स, जैसे इधर जेड नहीं आएगा, इधर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे डिफरेंशिएशन डी एक्स आएगा, इसीलिए भाई मिस्टेक मेरे से लिख गया, बाकी आप समझ ही रहे होंगे कैसे क्या होगा। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, अभी राइट हैंड साइड में, तो देखो एक्स आ रहे, एक फंक्शन एक लॉग एक्स आ रहे हैं, तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक्स को एज इट इज रहने दूंगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर लूंगा, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस, आप चाहें तो मैंने इस बार डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का किया है ना, आप चाहें तो पहली बार में एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप किसी का भी दोनों में से मतलब पहले फंक्शन में डिफरेंशिएशन कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि पहले इसका करो या पहले इसका करो, इज इट क्लियर। तो देखो हमने क्या किया था, हमने लॉग एक्स के कहने अपने डिफरेंशिएशन, तो अब लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि उसका तो इसका तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, मतलब बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या जाएगा मेरे पास, वन अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स आ जाएगा ये, क्योंकि इस डी एक्स अपॉन डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इधर लिखता हूँ मैं राइट हैंड साइड में, या फिर इसको मैं इधर जाके देखो यहाँ जाके लिख रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। आप सोच रहे होंगे ये वन अपॉन जेड कहाँ गया, तो गाइस मैंने वन अपॉन जेड इधर लिख दिया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स। आप सोच रहे होंगे वन प्लस लॉग एक्स कहाँ से आया गाइस, ये आया देखो एक्स इंटू वन बाई एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स दैट इज वन होता है, या फिर एक्स से एक्स कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस लॉग एक्स बचेगा, तो वन प्लस लॉग एक्स। और ये जेड कहाँ से आया, ये जेड आया वन अपॉन जेड में था ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब बस जेड की जगह मैंने यहाँ पे क्या माना था, एक्स की पावर एक्स माना था ना, तो बस जेड की जगह एक्स की पावर एक्स रख दो, तो डी एक्स की पावर एक्स अपॉन डी एक्स दैट इज एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ये मेरे पास मिल गया। बस मेरे पास ये तीनों इक्वेशन मिल गई, तीनों की वैल्यू मैं क्या करूंगा यहाँ ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा, तो चलो रख के देखते हैं एक बार, इरेज कर लेते हैं गाइस, मैं रख रहा हूँ, बाकी सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना, आपके पास आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो रखते हैं एक बार, इरेज करते हैं सारी चीजें, आप खुद रखो साथ ही साथ करते जाओ। ये गाइस थोड़ा सेशन बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कतई आसान नहीं है बिल्कुल भी, ये लेंदी है आसान पर काफी लेंदी है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना चाहता इसीलिए मैं आराम से ले रहा हूँ। तो गाइस इस डी वाई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, मेरे पास ये आ रही थी, ये आ रही थी, ये ब्लू कलर में मैंने रखा है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस प्लस आ जाएगा, ये डी एक्स की पावर वाई अपॉन डी एक्स ये क्या था, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से रख देंगे हम, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे रख देंगे, इसके साथ साथ डी एक्स की पावर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा, इज इट क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो कैसे आएगी, ये देखो ए की पावर बी ये कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, क्या आता है जीरो,
तो बस वैल्यू पुट कर दो और आपके पास सिंप्लीफाई कर दो और डी वाई अपॉन डी एक्स आंसर मिल जाएगा। आप चाहते हैं मैं करूँ क्या, चलो कर देता हूँ अगर आप चाहती हैं तो। ऐसे आपको खुद करना चाहिए था ये चीज, बट कोई बात नहीं, अब आपने कहा है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। चलो करें, डी वाई की पावर एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू आ रही थी मेरे पास वाई की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई आ रही थी, इज इट क्लियर। प्लस अब इसकी जगह वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, इसकी जगह ये मैंने जो सर्कल मारा है ना उसके इक्वल आ रही थी, रख दे दो बस वैल्यू, एक्स की पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर। फिर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा डी एक्स की पावर एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, इसकी वैल्यू ये आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, तो रख दो बस एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो एक बार इरेज कर लेता हूँ ये चीजें, तो यहाँ से एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स ये चीज आ रही थी, वो मैं अभी लिखता हूँ, आप नोट कर लेना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से काम आएगी ये चीजें, ये किसी भी स्टूडेंट्स को एक बार में तो होने वाला नहीं है ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तो दोबारा से इसको जरूर करना। तो इसका क्या आ रहा था, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स ये आ रहा था, और राइट हैंड साइड जीरो बन जाएगा, मैंने बता रखा है कॉन्स्टेंट है। अब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मैं निकाल लूंगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा वाई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस, अब इसको करूंगा तो एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर। प्लस ये हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। आप सोच रहे होंगे इसको क्यों नहीं खोला, इसको इसलिए नहीं खोला क्योंकि गाइस इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ ही नहीं रहा था, तो खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो जहां जहां डी वाई अपॉन डी एक्स है वहां एक साथ ले लूंगा उनको, तो ये दो जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों को, ये जो मैंने अभी सर्कल मारे ना, एक तो ये वाला देखो गोला गोला रेड कलर में जा रहा है, एक ये वाला और एक ये वाली टर्म, ये वाली नहीं गाइस, ये वाली टर्म, ये वाली, ये जो गोला मारे ये जो दो टर्म है फर्स्ट ये सेकंड वाली ये फर्स्ट वाली, इन दोनों में देखो इन दोनों को ये अभी ले रहा हूं, तो इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है कॉमन, देखो एक तो यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। आप सोच रहे होंगे एक्स माइनस वन कहाँ से आएगा, गाइस ये आया देखो नीचे वाई है ना, चलो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इसको अभी छोड़ो, अभी एज इट इज लिख दे, तो अभी एज इट इज लिख दे, क्योंकि डायरेक्ट स्टेप करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या बचेगा, इसमें से बचेगा वाई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई है ना, और इसमें बचेगा प्लस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स, इज इट क्लियर, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया। अब क्या है, बाकी चीजों को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो राइट हैंड साइड में क्या चल जाएगा, तो ये चल जाएगा माइनस एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स है ना, क्योंकि इधर प्लस था दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी पहुंच जाएगा और इसी तरीके से ये वाला भी पहुंच जाएगा, तो बस पहुंचा दो माइनस, कलर चेंज करता हूँ क्योंकि उधर जो है कलर सेम आ रहा है तो दिखेगा नहीं, तो माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई माइनस एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, ये चीज आ रही है ना। अब क्या करूंगा, अब मैं इसका डिवाइड कर दूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा, यही आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक 15 से 20 मिनट का हो गया होगा, पर कोई बात नहीं गाइस, ये वर्थ इट है, ये बेनिफिट है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो इन क्वेश्चनों में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे क्वेरी भी पूछ सकते हैं, तो हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना सही समझे, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन किया, बट देखो कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को कोई वो मेथड समझ में नहीं आता, तो आप अपनी प्रॉब्लम बता दोगे किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई इसको ये चीज समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से किसी सेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। अब ये देखो ये क्वेश्चन है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ये देखो हर तरीके के मैंने क्वेश्चन करवा दिए, ये सेम ऐसा करवा दिया, बस फंक्शन की वैल्यू अलग थी है ना, इसी तरीके से ये इसके जैसा करवा दिया है ना, सेम ऐसा करवा दिया, इसके साथ साथ ऐसा भी मैंने करवा चुका हूँ, तो ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। और मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से नहीं हुए, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो मैं आपको किसी सेशन में करवा दूंगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं लाइक कीजिए,
क्या कीजिए लाइक, और क्या कीजिए कमेंट, और क्या कीजिए शेयर कीजिए गाइस। इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद कीजिए सब्सक्राइब, या फिर मैं कहूँगी सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए शेयर, उसके बाद कमेंट, या फिर आप जो भी सही तरीके से सीक्वेंस समझे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, बट करिए जरूर, कुछ ना कुछ जरूर करिए, क्योंकि खाली बैठना क्या होता है, आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है ना। जोक सपाट, ये मेरा नाम है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, पीडीएफ वगैरह आप ये ले सकते हैं। इसमें पीडीएफ में क्या, पीडीएफ में आप सोच रहे हैं ये सॉल्यूशन वाला फॉर्मेट होगा, नहीं ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सिर्फ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि देखो इस आप खुद ही सोच लो यार, यहाँ पे मैं ये प्रोवाइड करवाऊंगा तो सिर्फ ये पूरा सॉल्यूशन थोड़ी है, कंप्लीट सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है, है ना। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, तो किस तरीके की होगी मैं आपको बता सकता हूँ, इस तरीके की मिलेगी, बिल्कुल ब्लैंक ऐसी मिलेगी, ये जगह होगी, आप इस पीडीएफ को क्या करोगे, कंप्यूटर वाली दुकान पे जाओगे, वहां से 2-3 रुपए लेता है एक इमेज के, तो आप पूरी ये पीडीएफ निकालने के अलावा 10 से 15 रुपए लगेंगे, तो 15 रुपए में आप पीडीएफ निकालना, फिर ये जो जगह है ना उस पे इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करना, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, बताया नहीं आपको समझ में आ रहा है, बस इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा सी यू सून।